सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं रिव्यू बना ये रही एक नॉर्मल बैग बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन को हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई। फ्रेंड्स ये एक फ्लिपकार्ट और अमेजोन हॉल है जहाँ पर बहुत सारे किचन आइटम्स हैं। आप अगर यूट्यूबर हो, होम मेकर हो या फिर इंस्टाग्रामर हो, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है पेपर क्रशर। फ्रेंड्स बहुत ही कम कॉस्ट में मिला है, ऊपर कॉस्ट मैंने मेंशन कर दिया है। क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, अच्छा है, इस दाम में आपको इससे बेहतर और क्या ही मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है एक सब्जियों वाला थैला जिसे देखकर बिल्कुल भी थैले वाली फीलिंग नहीं आएगी, बहुत ही गुड लुकिंग है। और ये एक नॉर्मल बैग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। साथ में इसकी हैंडल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टफ़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप सब्जियों को खरीदने के लिए इस थैले का यूज़ कर सकते हो। इसमें एक आपको मेन कंपार्टमेंट मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है, बाकी छोटे छोटे अलग अलग साइज़ के कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ों को रख सकते हो जो कि आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। फ्रेंड्स पर्सनली मुझे ये थैला बहुत पसंद है, मैं इसे देती हूँ 10/10। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैश ऑर्गेनाइज़र जिसमें कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हो। इसके मैश की क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में इसकी जिप के भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों से ये काम करवा सकते हो जिससे उनका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग पैक करने से फ्रेंड्स बहुत आसानी होती है। एक तो पॉलीथीन में सब्जियाँ गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती, तो यहाँ पर आपको दो प्रॉफिट मिलेंगे। एक तो सब्जियाँ फ्रेश रहेंगी, दूसरी आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए होगी वो एक बार में इकट्ठे बाहर आ जाएगी, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो कि है स्पाइरल स्लाइसर। फ्रेंड्स पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया। आप इसमें लच्छेदार कुछ भी काट सकते हो जैसे खीरा, गाजर, लच्छेदार यानी लंबा लंबा काट सकते हो, लेकिन बहुत आसानी से नहीं कटता है फ्रेंड्स इसके अंदर में। मैंने ट्राई किया है और ख़ास के अगर थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो खीरा या फिर गाजर तो अच्छे से नहीं कट पाता है। इसके बाद हम चलते हैं बोरोसिल की केटली की तरफ। फ्रेंड्स तो ये बोरोसिल की केटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो बनाते हो तो उसमें भी, इसमें डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो, साथ में इसमें आप कुछ बनाकर भी दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, आप इसको डायरेक्ट हीट पर यानी डायरेक्ट फ्लेम पर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने रील्स में इस केटली का यूज़ किया है। तो अब चलते हैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जो कि है पिलर। फ्रेंड्स ये नॉर्मल पिलर नहीं है, इसके इसमें आप ना जो भी चीज़ पील करोगे, छिलके निकालोगे, वो इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। मतलब वो एरिया पूरा जो है वो मैसी नहीं होगा, आप कहीं पर भी बैठ के पील कर सकते हो। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं आया है क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है ना कि जब आप छिलके निकालते हो तो अंदर में वो एरिया पूरा बंद हो जाता है, छिलके वहाँ पर फंस जाते हैं और बहुत आसानी से पील नहीं हो पा रहा था। तो जिस काम के लिए मुझे चाहिए वही काम अगर अच्छे से नहीं होगा तो लुक लेकर के क्या ही करना है हमें। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसके बाद मैंने ये एक वॉलपेपर ऑर्डर किया था, बल्कि दो ऑर्डर किया था, जिसमें कि एक ये वाला है। ये वॉलपेपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे थोड़े लाइट शेड चाहिए थे, ये जो प्रिंट है लाइट शेड का चाहिए था, बट उन्होंने डार्क शेड भेज दिया और इसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं आता है। तो खैर ठीक है, कहीं ना कहीं यूज़ तो हो ही जाना है। क्वालिटी वाइज अच्छा है ये। और नेक्स्ट इसी टाइप का मैंने एक और वॉलपेपर मंगवाया है ब्लैक कलर का, जो कि जनरली आप अगर टेबल पे कुछ वाइट चीज़ अनबॉक्स कर रहे हो या वाइट कुछ यूज़ कर रहे हो ना, तो आप ब्लैक अगर बैकग्राउंड रखोगे तो आपके आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत इन्हेंस हो जाएगी। इसके पीछे में देखो आप इस तरह का पेपर रहता है जिसको ईजिली आप निकाल सकते हो और इसको आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। बहुत स्मूथ सी फिनिशिंग आती है और सीरियसली बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ऊपर मैंने दोनों का कॉस्ट मेंशन कर दिया है तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट है वो किचन आइटम नहीं है फ्रेंड्स, ये एक कुशन कवर है, बट इसे मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ और वीडियो का लुक बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। फ्रेंड्स मुझे ये थ्रेडवर्क लगा था बट जब मैंने ये रिसीव किया तो ये नॉर्मल सी प्रिंट है, बट स्टिल बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बहुत गुड लुकिंग भी है। इसके पीछे में ज़िप लगा है जो कि ज़िप की भी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। इसे मैं जनरली अपने वीडियोज़ में बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ। आपको मैं एक छोटा सा
क्लिप लगाकर दिखा देती हूँ कि मैं इसे किस तरह से यूज़ करती हूँ, और इसका कॉस्ट मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड में मैंने ये कुशन कवर रखा हुआ है, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी बहुत इन्हेंस हो गई। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी सी चीज़ है, ये है ओसाका का रिंग लाइट। फ्रेंड, अगर आप यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर हो तो आपके पास लाइट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट में जनरली मैं भी रिकमेंड करती हूँ वीडियो शूट करना, बट नेचुरल लाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी शेड आ जाता है, कभी बारिश, कभी हवा, तो आप वीडियो शूट नहीं कर पाते हो रेगुलर बेसिस पर। तो इस तरह के आप अगर रिंग लाइट्स ले लोगे तो बहुत आसानी होगी। इसमें वार्म टोन हो सकता है, कूल टोन हो सकता है, लाइट की इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको। सारी चीज़ों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियोज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। Bye-bye.